2021 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सुहाना कल्याणकारी युग है, जिसमें स्वयं बाप आकर भारत को पावन बनाते हैं। क्वेश्चन है, संगम युग पर जब बाप आते हैं, तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? क्वेश्चन है, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी हो जाता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग की, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही रात को दिन बनाने के लिए हैं, यह भी हिसाब किया जाता है। आखिर में भी बाप आते किस समय है? तिथि तारीख नहीं है, परंतु किस समय आते हैं? जरूर 12:01 हुआ होगा, तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। यह है बेहद की रात और दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती है, अपने बच्चों से ही कहते हैं हम, रात आकर रात को दिन, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। और कहा ही जाता है शिवरात्रि आते ही रात को दिन बनाने के लिए है, उनकी कोई जन्मपत्री नहीं है, शिव परमात्मा की कोई जन्मपत्री नहीं है। श्री कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए हैं। यह किसी को भी पता नहीं है कृष्ण का जन्म कब हुआ। सोमवत तिथि तारीख कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला, तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि। भारत में मनाते भी हैं शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मरणती नहीं है ना। मनुष्य मतलब जन्मता है फिर मरता भी है, वह तो मरता नहीं है, इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है, शिवरात्रि कहना ठीक है। यह शिव बाबा बताते हैं, दूसरा कोई ऐसे कह नहीं सकते। भल कहते हैं शिवो अहम्, परंतु बता नहीं सकते अब मैं कब आता हूँ, आकर क्या आकर के करता हूँ। शिव बाबा तो बताते ही हैं, अब आधा कल की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। यह गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर, कलयुग का अंत है, मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, नेचुरल कैलिमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो जरूर गीता का भगवान आया होगा, आएगा ही कलयुग के अंत में। सत्यु का फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में तो हो ना सके। मनुष्य को 84 जन्म माना 84 शरीर मिलते हैं, हर एक जन्म में अलग अलग फीचर होते हैं, वह फिर द्वापर में तो हो ना सके। मनुष्य को 84 जन्म मिलते हैं ना शरीर, हर जन्म में अलग अलग नेचर होती है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर तो हो न सके, उनका फोटो भी निकल न सके।
ऐसे ही मिट्टी का कागज का बना देते हैं एक्यूरेट फीचर। तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो, फोटो निकाल नहीं सकते। मीरा कृष्ण, मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहां विकार तो होता नहीं है। कृष्ण ही प्रीत, मतलब कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित तो कृष्ण के साथ मिल भी ना सके। मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है। यह सब राज बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में, तो उनकी अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई है। साक्षात्कार हुआ है, जो मनोकामना करते हैं वह अल्पकाल के पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति मार्ग की नूंद है, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी करवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाएंगे, परंतु जा नहीं सकते। मुक्ति में जाने वाला है ही एक बाप, उनों को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है, दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। सत्य में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंद नहीं था, बहुत थोड़े आदमी रहते थे। इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सत्य में इतने थे नहीं, बाकी उस समय सब कहां थे यह भी अभी तुमको पता पड़ा है। सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिली है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकते। अभी तुम जानते हो पति सृष्टि का अंत है, वह तो समझते हैं कलयुग अजुन 40,000 वर्ष चलना है, परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत होना है, तब ही बाप सारी नॉलेज सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच है ही भगवान, उनका जन्म भी यहाँ होता है, आते भी संगम युग पर हैं और अंत होने का इशारा देते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराया है अर्जुन, अर्जुन के लिए भी दिखाया है ना कि साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चे भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है, जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा। मनुष्य जब घर में नजदीक आते हैं तो सब बातें याद आती है ना। तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था, बाबा कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष बाद आकर तुमको राजयोग सिखाता हूँ, यह स्थापना हो रही है। भविष्य नई दुनिया के लिए संगम पर स्थापना होती है, तुम ब्राह्मण ही हो संगम पर, वह है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण, वह देवताएं, यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। मनुष्य थोड़े जानते हैं कि संगम किसको कहा जाता है, इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है, जहां से पतित भारत पावन बनता है। बाप भी कल्याणकारी है, आते भी भारत में है। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब तुम पतित बने हो, एक भी पावन नहीं, सब भ्रष्टाचारी है, विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे,
फिर अंत में आकर के प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? स्वर्ग की, देवी देवता धर्म की। तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने, दैवी गुण धारण करने। यह तो बच्चों को मालूम है कि कोई भी भिखारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी है। एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, चंडाल का जन्म पाते हैं। यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकता। अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले जाती है तो उन पर भी दोष बड़ा लगता है। दोनों चंडाल बन पड़ते हैं। जो पावन नहीं बन सकते उन्हों को यहाँ आने का हुक्म नहीं है। पर्सनल आकर समझ सकते हैं परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। अगर भूल से ले आते हैं तो उन्हों को चोट बहुत लगती है। आते तो ढेर हैं, सबको मालूम है कि बेहद के बाप के पास जाते हैं। हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो फिर भी वह कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। कृष्ण की तो बात नहीं है, यह तो बहुत बड़ी भूल करती है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार जब टाइम आता है तब ही मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। यह वही महाभारत लड़ाई है, मृत्यु लोक में यह अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई होती नहीं है, यह वही महाभारत लड़ाई है। यह है राम राज्य। बाबा कहते सत्यु को कहा जाता है राम राज्य। वहां रहते हैं धर्मात्माएं, यहाँ रहते हैं पाप आत्माएं। पाप करते ही रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं एक सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ, इसमें सिर्फ एक ही अंतिम जन्म लगता है और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते हैं। अंधश्रद्धा हो बोलते अंधश्रद्धालु है ना, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं है। अब बाप आकर के इन सब का ज्ञान देते हैं। इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। यह भी बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हैं। मनुष्य होकर और बाप को ना जानते तो जानवर से भी बदतर ठहरे। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं। तो दोनों मनुष्य है ना, परंतु यह है सारा कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। भारत सच खंड था, फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। सच खंड बनाने वाला है परम पिता शिव परमात्मा। बाप ही आकर के परिचय देते हैं सो भी ब्राह्मण बच्चों को, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से अब किसी को विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है। मनुष्य की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी है लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, फिर भी समझते नहीं कि यह एक ईश्वरीय फैमिली है।
इतने भेद बीते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात हो ना सके। यह है ही ईश्वरीय परिवार, समझते हैं यह कोई इंस्टीट्यूट है। अरे यह तो फैमिली है ना कुमार कुमारियां, यह तो घर हुआ ना। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी हैं। 7 दिन का जब कोर्स ले, अच्छी रीति समझे, तब बुद्धि में बैठी कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। नंबर 2 है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है मर जीव स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नयन चयन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार स्वभाव संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मुहूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मुहूर्त है। ओम शांति।